बच्चे को ले जाती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन में आ गई और कई टीमें गठित की गई हैं, बच्चे की बरामदगी के लिए टीमें गठित की गई है। शोएब जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। शोएब, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और इन महिलाओं की पहचान हो पाई? मनीष, दो महिलाएं थी जो इलाके में टीवी का सर्वे करने पहुंची थी। उसी दौरान 10 वर्षीय बच्चा प्रिंस भी अपने भाई बहनों के साथ बाहर घूम रहा था, लेकिन ये दोनों महिलाएं इसको बड़ी आसानी से वहां से लेकर चली गई, जिसके बाद एक सीसीटीवी सामने आई है। सीसीटीवी के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि दो महिलाएं उसका हाथ पकड़कर बच्चे का वहां से ले जाती हुई दिख रही है। परिवार ने किसी अनहोनी की भी आशंका जताई है, लेकिन पूरे मामले पुलिस का कहना है कि दो महिलाएं आई थी, पुलिस ने वो पूरी की पूरी सर्वे टीम वहां पर बुलाई थी थाने में, लेकिन जो उसके बावजूद जो दो महिलाएं इस बच्चों ने पहचानी थी, वो दो महिलाएं उस सर्वे टीम के अंदर मौजूद नहीं थी। तो परिवार, पुलिस का ये भी कहना है कि बुआ है जिन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था, उसके बाद परिवार से अलग रहनी थी। आशंका है कि बच्चे को वो भी ले जा सकती है, लेकिन कल से बुआ को तलाश कर रही है पुलिस। अभी तक बुआ को या बच्चे को या जो अपहरणकर्ता महिला थी, किसी को भी पुलिस अभी तक मनीष तलाश नहीं पाई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शोएब। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने स्कूल प्रबंधक को गोली मार दी। स्कूल प्रबंधक के गले में गोली लगी है और आपको बता दें, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और बदमाशों ने यहां पर एक स्कूल प्रबंधक को गोली मारी है और फरार हो गए। और आपको बता दें, गले के पास गोली लगी है, गंभीर हालत में अस्पताल में प्रबंधक को भर्ती कराया गया है। और घायल व्यक्ति डीके पब्लिक स्कूल का प्रबंधक है। अरविंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अरविंद, ये